स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द व्यंजन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई व टेस्टी कोफ्ता करी के साथ। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला कोफ्ता करी। तो इसे अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो आप एकदम से करेले के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले का कोफ्ता करी। तो मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारे कोफ्ता करी डाल रखी है। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारे कोफ्ते की रेसिपी आपको मिलेंगी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी तरीके से। तो आज मैं बनाऊंगी करेले की कोफ्ता करी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम एक करेला। इसे अच्छे से देखिए छील लिया है और मैंने इसके अंदर का जो मोटा बीज था उसे निकाल दिया है। और अगर आपका बीज ज़्यादा मोटा ना हो तो आप क्या करिए, बस उतनी जगह बनाइए कि इसमें हम स्टफिंग भर सके आराम से। तो ये हमारे हो गए 250 ग्राम करेले। मैंने 3 यहाँ प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज के बड़े टमाटर लिए हैं और 4 मैंने मीडियम साइज के यहाँ पर आलू लिए हैं। यहाँ गैस पे मैंने पानी चढ़ा दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसी पानी में ये 2 टमाटर और अपना ये प्याज और ये आलू और साथ में अपना ये करेला बस डाल देंगे और इसे एक अच्छा उबाल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक उबाल आ गया है अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, प्याज और ये टमाटर और अपना करेला ये निकाल लेंगे हम, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आलू हमारा थोड़ी देर अभी और पकेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज टमाटर हमारा ठंडा हो चुका है। तो जब तक हमारे आलू पकते हैं तब तक हम प्याज टमाटर को पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज और टमाटर को अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें लेंगे 1 कटोरी ये बेसन और उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच के करीब नमक और 1/2 चम्मच के करीब ये अजवाइन हम डालेंगे इसमें और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। इसका हम बनाएंगे गाढ़ा घोल। पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा घोल बनाना है हमें। देखिए बस इतना गाढ़ा घोल हमें बनाना है और इसे अच्छे से फेंट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, प्याज टमाटर पिस गया है और करेला हमारा बॉयल हो चुका है और ये घोल हमने तैयार कर लिया है बेसन का। तो अब चलिए देख लेते हैं आलू की क्या स्थिति है। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू भी हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अब हम आलू निकाल लेंगे। तो बस इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू ठंडा हो चुका है और इसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई, 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच ये नमक है। तो नमक हम आगे भी यूज करेंगे इसलिए थोड़ा ही यूज कर रहे हैं। 1/2 चम्मच ये पिसी हुई धनिया डालेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये करेला मसाला। तो नॉर्मली जो करेला लोग बनाते हैं घरों में रोज, तो सबके घर में ये मसाला मिल जाता है। ये मेथी सौंफ और अजवाइन और कलौंजी से बनता है। कोई बहुत मुश्किल मसाला नहीं बनाना, बस 3-4 चीज़ों से बनता है। तो ये सभी के घरों में मिल जाता है। अगर ये ना मिले आपको तो यहाँ पर अचार मसाला जो होता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मार्केट का हो। लेकिन अगर मार्केट का अचार मसाला यूज़ कर रहे हैं आप तो अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, क्योंकि जो अचार मसाला मार्केट का होता है उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। तो बस अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कुटी हुई हरी मिर्च यूज़ करी है तो जो कि काफ़ी तीखी है, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च यूज़ नहीं करी है। तो आप चाहे तो लाल मिर्च भी कर सकते हैं। बस देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हमें क्या करना है, ये जो करेले हमने उबाल के रखे हैं ना, बस इसी के अंदर इसे हमें भर देना। तो ज़्यादा नहीं भरना है, उतना ही भरना है जितना हम इसमें आराम से चला जाए, ताकि आराम से ये बंद भी हो जाए इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल आराम से ये बंद हो जाए। तो जितना बंद हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा आलू है वो निकाल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं भरना है। तो देखिए इस तरह से हमने करेले भर लिए हैं। तो देखिए जो स्टफिंग बच जाती है या आपकी बच जाए तो आप या तो फिर उसे रख लीजिए पराठे वगैरह यूज़ करने बनाने के लिए, या फिर किसी सब्जी की ग्रेवी में आप डाल दीजिए, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए फ्रेंड, जो घोल बनाया था हमने, बस अब हमें इसे इन्हीं में डाल देना है और हल्का हल्का सा कोटिंग करके इसे हमें तलना है। इस तरह से हमें बेसन लगा लेना है और अब इसे तलना है। देखिए फ्रेंड्स, तेल मैंने पहले चढ़ा दिया था तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है। तो बस अब हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। तेल थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर भी डाल देंगे।
और धीरे धीरे हम इसे खिसका के उलट पलट के गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से उलट पलट देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे करेले हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे इन्हें। तो देखिए उसी कढ़ाई में हमने तेल को कम कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ये अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने बना के रखा था, कूच के रखा था, वो डालेंगे। तो सावधानी से डालिएगा, तेल गर्म होता है तो ये बहुत तेज से छिटकता है। तो देखिए लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई डाल दी हमने। अब जो हमने ये पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर का, तो वो हम डाल देंगे इसी में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम लहसुन को कूच के डालते हैं ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ग्रेवी की। देखिए प्याज टमाटर अच्छे से पकने लगा है। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, तो हरी हमने कुटी हुई यूज़ करी है। एक चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, तो लगभग एक चम्मच या टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा, क्योंकि नमक पहले भी यूज़ हुआ है। एक चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच करीब गरम मसाला डालेंगे और आधा चम्मच हम डालेंगे ये करेला मसाला, जो कि हमने स्टफिंग में भी यूज़ किया है। अच्छे से हम मसालों को पका लेंगे। मसाले अच्छे से पक गए हैं और तेल छोड़ने लगे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने ये जो बेसन थोड़ा बचा हुआ था, तो उसी में थोड़ा पानी डाल के डाल देंगे इसी में घोल के। तो दो कटोरी पानी अच्छे से पड़ जाएगा इसमें। अब इसे हम ढक देंगे और 5 मिनट तेज आंच पर इसमें उबाल आने देंगे। 5 मिनट हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और अच्छी देखिए गाढ़ी भी अच्छी हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने कोफ्ते बना के रखे करेले के, तो बस उन्हें हम इसमें डाल देंगे और एक उबाल आने देंगे और गैस को बंद कर देंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि करेले बॉयल भी हैं, करेले तले भी गए हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए एक उबाला आने लगा है और गैस को हम बंद कर देंगे। तो बस 5 मिनट से ऐसे ढक के हम रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी ये करेला कोफ्ता करी। तो देख के कोई बता सकता है कि ये करेला कोफ्ता करी? देखिए मैं आपको पीस उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का इसका पीस है एकदम। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो अगर इस तरह से आप करेला बनाएंगे तो यकीन मानिए, जो करेला नहीं भी खाता है ना, वो भी आपसे करेला एक बार मांग के ज़रूर खाएगा। तो चलिए, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कोई कोफ्ता बनाऊं और आपको कट करके ना दिखाऊं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको कट करके दिखाया है और बढ़िया से स्टफिंग बनी है इसकी अच्छे से। तो बस आपको अगर मेहमानों के सामने सर्व करना है, तो बस इस तरह से ऑनियन रिंग्स रख दीजिए ऊपर से और थोड़ा सा धनिया से आप इसे सजा दीजिए। तैयार है हमारी ये करेला कोफ्ता करी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब भी मेहमान आए तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो इतनी टेस्टी बनती है कि जो करेला नहीं खाता है वो भी इसे ज़रूर खाएगा और मन से खाएगा। तो ज़्यादा तारीफ मैं क्या करूँ इसकी, तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा करेला कोफ्ता करी। और बच्चे भी इसे मतलब बहुत ही मन से खाते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम मिलते रहेंगे आपको ऐसी ही मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी रेसिपीज़ के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। बाय बाय।